नमस्कार, जरा हटके हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को भूल कर भी इन चीजों को अर्पण नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का महत्व क्या होता है यह तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान शिव को अप्रिय है, यानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आप भगवान शिव को ये चीजें अर्पित करते हैं तो आपके साथ कुछ अनर्थ भी हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा में कुछ चीजों को निषेध माना गया है। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा में इन चीजों का प्रयोग करता है तो जीवन में उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार साल 2020 में 21 फरवरी के दिन मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भगवान शिव को अर्पित बिल्कुल भी ना करें। पहला, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को भूल कर भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको इस दिन भगवान शिव को सादे जल में गंगा जल मिलाकर उनका अभिषेक करना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर नारियल का पानी चढ़ाते हैं तो आपको इसके दुष्परिणाम मिल सकते हैं। दूसरी चीज, भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर सिंदूर और कुमकुम भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह चीजें सुहाग की चीजें मानी जाती है और शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव वैरागी है, इसलिए इन्हें ये चीजें अर्पित करना निषेध माना गया है। तीसरी बात, भगवान शिव महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव वैरागी हैं और हल्दी को शुभ कामों में प्रयोग किया जाता है। चौथी बात, भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जालंधर नामक राक्षस से तुलसी का विवाह हुआ था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था, और इसी कारण से भगवान शिव को भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती। पांचवी चीज, भगवान शिव पर शिवलिंग पर भूल कर भी केतकी के फूल अर्पित ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार केतकी के फूल शिव लिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। छठी चीज, भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर शंख से जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड नाम के राक्षस का वध किया था, जिसके कारण उसका शरीर भस्म हो गया, जिससे शंख की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उन्हें शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। सातवीं बात, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को स्टील और लोहे के पात्र से जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती। आठवीं चीज, आपको शिवलिंग पर महाशिवरात्रि पर टूटे हुए चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए। टूटे हुए अक्षत किसी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ साबुत अक्षत ही शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए, जिससे आपको आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके। नौवां, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में आपको शिवलिंग पर तिल बिल्कुल भी नहीं अर्पित करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु के महल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा में तिल वर्जित माने जाते हैं। दसवीं बात, काले रंग का वस्त्र भी महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काले रंग के वस्त्रों का उपयोग करना अशुभ माना गया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें इस महाशिवरात्रि बिल्कुल भी भगवान शिव पर अर्पित ना करें। तो हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और इसको लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।